गोसेवा। आपके हरियाणा प्रदेश में बहुत सारी गौशालाओं मैंने कथा बोली, राजस्थान में बोली, ने जाने कहां कहां बहुत जगह बोली। गाय बचेगी, संस्कृति बचेगी, संस्कृति बचेगी, आपका देश बचेगा। और देश को बचाना है, अनिवार्य है गौ माता को बचाओ। देश को बचाना है, नारियों की सेवा करो। देश को बचाना है, ये नदियों की सेवा करो। आज ये हम इतने दुखी क्यों हैं? आपने कभी सोचा? संसार में इस लोग बहुत दुखी, इसका एक कारण है। इसका एक कारण है, हमारी गौ माता दुखी है, भारत की नारियां दुखी हैं, भारत की नदियां दुखी हैं। आप नदियों को देखोगे, बड़े बड़े महानगरों के गंदे नाले उस नदियों में छोड़े जा रहे हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र, तनिया, चंद्रवती, वेदिका, क्षिप्रा, वेत्रवती, महासुर नदी, क्याता, गया, गंडिका, और पूर्णा, पूर्णतरा, समुद्र सहिता, पूर्वंतुनो मंगलम। ये नदियों के नाम है। और ये सारी नदियों में गंदा जो महानगरों का, चाहे मुंबई महानगर हो, कोलकाता महानगर हो, ये सारे नगरों का गंदा पानी नदियों में प्रभावित हो रहा है, प्रदूषित हो जाया, आचमन करने योग्य नहीं, चाहे यमुना हो चाहे गंगा हो। नदियां दुखी है, क्या कर रही भारत की सरकार, कर क्या रही? मैं तो महाराष्ट्र की सरकार को धन्यवाद करूंगा कि अभी अभी आपने देखा होगा, शंकराचार्य भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने गौ माता को राष्ट्र माता तो नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने राज्य माता का दर्जा दिया। राज्य माता का दर्जा। गाय बचेगी, आपका देश बचेगा। कितने संतों को मैं जानता हूं जो गो भागवत कथा बोलते हैं। हमारे एक यहां हरियाणा प्रदेश में बहुत अच्छे महात्मा, राजस्थान में ऐसे महात्मा सब जगह के होते हैं, स्वामी श्री राजेंद्रानंद जी महाराज। एक बार जोरदार तालियों की सेवा। गो कथा अच्छी बोलते हैं, गो भागवत बोलते हैं, और गो भागवत बोल के अपने भक्तों के द्वारा बहुत बड़ा अनुदान भी करते हैं, महापुरुष। ऐसे ही हमारे श्रीधाम वृंदावन के मलुक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज, अभी उनकी कथा चल रही है, वर्षा नारवेश बाबा गया। धन्य है श्री महापुरुष, समय समय में आते हैं। केवल वो कहते हैं गोव्रती हो जाओ, केवल गाय का ही दूध पिएंगे, गाय का ही घी भोजन करेंगे। धन्य है ऐसे महापुरुष। गाय का दूध दूध नहीं। एक बार कोई भारत से विदेश में चला गया व्यक्ति, और विदेश में गया तो वहां के लोगों ने प्रश्न किया, भले आदमी तुम भारत से आए? बोला हाँ। बोले कृपा करके ये बताओ, तुम्हारे भारत में सबसे सुंदर कौन से पशु का दूध होता है, कौन से पशु का दूध होता है? उस भारत से गए व्यक्ति ने कहा, महाराज भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है। लोगों ने कहा, अरे भैंस का दूध, तुम्हारे यहां भारत में तो गाय 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 बोलते, तुम भैंस कह रहे हो? नहीं महाराज, गाय का दूध नहीं है, गाय का तो अमृत है। तुमने पशु कहा, गाय पशु नहीं है, गाय तो मेरी मां है और वो अमृत देती है। गौ माता का दुग्ध सज्जनों में आपको धार्मिक मंच से कहता हूं, दूध को छोड़ दो। दूध एक बहुत बड़ी बात है, पहले ये कहता हूं, गाय का गोमूत्र, दूध बड़ी बात, गोमूत्र, गोमूत्र में इतनी शक्ति है, इतना प्रभावशाली है,
कि नित्य प्रति व्यक्ति यदि सेवन करता है तो कैंसर जैसा भयानक रोग उसके जीवन में कभी भी नहीं आता है। और जो जो भाई ये चाहे कि हमें कैंसर न हो, कैंसर से कभी पीड़ित न हो, तो आज से संकल्प लेके गो का गोमूत्र पान करे, पंचगव्य पान करे, कभी भी कैंसर जैसा भयानक रोग नहीं होगा। इस गोमाता का गोमूत्र काम आए और गोमूत्र से कैंसर जैसा भयानक रोग दूर हो जाए, क्या वो गोमाता पशु हो सकती है? पशु जिस गाय का गोबर काम में आए। हमारे यहां सोहले संस्कार होते हैं, कितने संस्कार? सोहले। और इन सोहले संस्कारों में गौ माता काम में आती है। किसी का नामकरण संस्कार होना है, बच्चा ने जन्म लिया है, पंडित जी नामकरण करवाएंगे, तो नामकरण कराने से पहले पंडित जी कहेंगे घर में गोबर का चौका लगाओ। नामकरण से मृत्यु पर्यंत ध्यान रखना। कोई वृद्ध आदमी भगवान के धाम चला जाए तो गांव के पुराने लोग कहेंगे भैया गोबर ले आओ, पहले गोबर से लेप करो, उसके बाद इसको सुलाओ। विचार करो, क्या वो पशु हो सकती है? जिस गोमाता का गोबर काम में आए, जिस गोमाता का गोमूत्र काम में आए, वो कभी भी पशु नहीं हो सकती है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरम्। हमारी माँ है ना, वो हमको केवल 2-5 वर्षों तक दूध पिलाएगी, 2-5 वर्षों तक दुग्ध पिलाएगी, लेकिन गौ माता जीवन पर्यंत तक दूध पिलाती है। थोड़ा थोड़ा गौ माता के प्रति अपना अनुराग बढ़ाओ, अपना भाव बढ़ाओ। विदेशों में तो गौ माता का आजकल बहुत ज्यादा चलने लगा, वहां गौशालाएं खुलने लगी। और वहां गौशालाएं खुलने के बाद में वहां तो महाराज ऐसा बता दिया कि प्रातः काल कोई भी व्यक्ति गौ माता के ऊपर हाथ घुमाएगा उसकी फीस रखी है, उसकी फीस। सुबह सुबह जाओ और गौ माता के ऊपर हाथ घुमा के आओ, उसकी फीस है। कई प्रकार के रोगों को निवृत्ति करता है।